नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सी सब्जी। ये कटहल है और कटहल को मैंने एक बार सिर्फ 5 मिनट उबाल लिया है। ज़्यादा नहीं उबालना है हमें और ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। 250 ग्राम कटहल है और उतना ही मैंने प्याज लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को डाल देंगे। तेल को रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और प्याज के साथ ही हम कटहल को भी डाल देंगे। और ढककर कम से कम हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है तो हम देख लेते हैं। बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया भी है। कटहल हमारा बिल्कुल हो गया है और अब हम निकाल लेंगे। दोस्तों, सेम कढ़ाई लिया है मैंने और तेल नहीं डाला है, वही तेल है जो हमने फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा तलने के लिए डाला था। तो सबसे पहले 2 साबुत लाल मिर्च और तेजपात डाल देंगे। और ये 1 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया है। आप चाहे तो पेस्ट बना लें, ये भी डाल देंगे। हल्का सा ब्राउन कलर को लाने देंगे हम। अच्छा सा बस जाने देंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। लहसुन हमारा हो गया है और यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ 2 बड़े टमाटर। डाल लेते हैं और टमाटर को गल जाने तक हम पकाएंगे। दोस्तों, टमाटर हमारा गल गया है और ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाला लिया है। और पानी डालकर हम थोड़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। और डाल लेते हैं। चलाते हुए हम 5 मिनट मसालों को भी पका लेंगे। दोस्तों, मसाले हमारे पक गए हैं और अब हम कटहल भी डाल देंगे। एक बार इस तरह से आप ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। चला लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं क्योंकि कटहल हमारा पक ही गया है गैस के साथ और मसाले भी पक गए। तो यहीं पे हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी धनिया हम डाल देंगे और थोड़ी सी रखेंगे गार्निश के लिए। और यहीं पे मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च लिया है, ये भी डाल देंगे और ढक देंगे। 5 मिनट हम और पकाएंगे। यहीं पे हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे, मैं भूल गई थी डालना। और ढककर पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। प्लेट उठा के देख लेते हैं। सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, धनिया से थोड़ी सी गार्निश भी कर देते हैं। मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।